नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल इंजीनियर गुरु पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम डबल लिंक लिस्ट में इंसर्शन एट एनी पोजीशन देखने जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि हमें कोई भी नोड का डेटा दिया हुआ रहेगा तथा और हमें बोला जाएगा कि हमें वहाँ पे इंसर्ट कराना है नोड को, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, हमारा लिंक लिस्ट है, डबल लिंक लिस्ट है। और अगर हमें कहा जाता है कि इस मान लीजिए कि हमें कहा जाता है कि जहाँ पे हमें डेटा के जगह पे जिस नोड पे हमें 2 मिले, हमें वहाँ इंसर्ट कराना है, तो क्या करना होगा, हमें यहाँ पे यहाँ 2 मिलेगा तो यहाँ हमें इंसर्ट कराना होगा इस नए नोड को, न्यू वन को। तो किस तरह से यहाँ काम होगा, पहले हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, हम पॉइंटर में PTR नाम से एक ले लेंगे एस टाइप का पॉइंटर, और उसमें हम हेड को, मतलब हम क्या करेंगे कि हम फंक्शन में हेड को पास कर देंगे और PTR को क्लोन बना देंगे जब हम डिफिनेशन देंगे उस फंक्शन का। तो और हम क्या करेंगे कि जैसे यहाँ हमारा सबसे पहले हेड हमारा यहाँ, यानी कि PTR हमारा यहाँ है, तो हम पहले सबसे पहले कंडीशन चेक करेंगे। तो कंडीशन चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इफ़ लगा के देख लेंगे कि जो डेटा हमें यूजर दे रहा है कि उस जगह पर हमें इंसर्ट कराना है, क्या वही डेटा है इस नोड पर। तो हम देखेंगे, अगर हमें वही डेटा मिलेगा तो फिर हम उसके लिए काम करेंगे, मतलब उसके लिए कुछ नोट्स के साथ जो छेड़छाड़ में करना होगा हम करेंगे। और अगर वो डेटा नहीं होगा तो हम सीधे मूव कर जाएंगे आगे और फिर हम कंडीशन को चेक करेंगे। तो मान लीजिए 2 यूजर ने कहा कि जहाँ 2 डेटा प्रेजेंट हो हमें वहाँ इंसर्शन कराना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ आएंगे, हम देखेंगे कि यहाँ 2 प्रेजेंट नहीं है, तो हम मूव कर जाएंगे, हम देखेंगे कि यहाँ 2 है, हाँ, तो यहाँ हमें 2 मिल जाएगा, तो हमें यहाँ इंसर्ट कराना होगा। तो इंसर्ट कराने के बाद क्या क्या चेंजेज आएंगे, पहले हम इस बात को समझ लेते हैं। देखिए, ये हमारा नोड है, ये वाला हमारा नोड है, तो हमें यहाँ इंसर्ट कराना होगा इसको। तो क्या क्या चेंजेज आएंगे, देखिए अभी क्या है कि सबसे पहले तो इस नोड के प्रीवियस पार्ट और नेक्स्ट पार्ट में क्या क्या होगा, पहले हम ये समझते हैं। देखिए, इस नोड ये नोड जब यहाँ आ जाएगा ना, तो इसका प्रीवियस पार्ट इस नोड को दिखाने लगेगा और इसका नेक्स्ट पार्ट इस नोड को दिखाने लगेगा, ठीक है। तो क्या क्या चेंजेस हुए, देखिए, न्यू वन के प्रेब में PTR यहाँ पहुँच गया था, तो न्यू वन के प्रेब में PTR आ गया, और न्यू वन के नेक्स्ट में PTR नेक्स्ट, क्योंकि PTR नेक्स्ट क्या है, ये नोड है ना PTR नेक्स्ट, तो न्यू वन के नेक्स्ट में PTR नेक्स्ट आ गया, ठीक है। हमने देख लिया ये दोनों चेंजेस, मतलब न्यू वन के प्रेब और नेक्स्ट पार्ट। अब हमें क्या देखना है, अब ये तो यहाँ बीच में ये नोड आ जाएगा, तो इसका जो नेक्स्ट है ये भी तो इस नोड को दिखाएगा, और इसका जो ये प्रेब पार्ट है इस नोड का, वो भी इस नोड को दिखाएगा। तो क्या क्या चेंजेस होंगे, हमें सबसे पहले PTR के नेक्स्ट यानी इस नोड का प्रेप पार्ट में हमें सबसे पहले इस नोड को डालना होगा, उसके बाद हमें PTR के नेक्स्ट में इस नोड यहाँ पे इस नोड को डालना होगा, ठीक है। इस सीक्वेंस को हम याद रखेंगे कि हमें सबसे पहले इस नोड के प्रीवियस में इसे डालना होगा, तब हम इसके नेक्स्ट में न्यू वन को डालेंगे, क्योंकि अगर हम पहले न्यू वन को डाल देते हैं ना इसके नेक्स्ट में, तो फिर जब हम PTR नेक्स्ट का प्रीवियस करेंगे तो PTR नेक्स्ट क्या हो जाएगा, PTR नेक्स्ट उस समय तो न्यू वन आ जाएगा और न्यू वन का प्रेब हम एक्सेस करने लगेंगे, लेकिन हमें क्या करना है, हमें इस नोड का प्रेब एक्सेस करना है, इसलिए पहले हम इस नोड के प्रेब को एक्सेस कर लेंगे, इस नोड के प्रीवियस पार्ट में इस नोड का एड्रेस डाल देंगे, उसके बाद हम इस नोड के नेक्स्ट पार्ट में इस नोड का एड्रेस डालेंगे, ठीक है। हम कोडिंग में इस बात को अच्छे से समझ लेते हैं, आइए नीचे देख लेते हैं। देखिए, ये हमारा फंक्शन का प्रोटोटाइप है, वर्ड इंसर्ट एनी पोस्ट और एस स्टार, क्योंकि हम एस टाइप का पॉइंटर होगा हमारा हेड, तो एस स्टार हमने ले लिया फंक्शन प्रोटोटाइप, और क्या किया, वर्ड इंसर्ट पोज हेड पास करके फंक्शन को कॉल कर लिया मेन में, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने डिफिनेशन यहाँ पे फंक्शन का डिफिनेशन किया है, डिफाइन किया फंक्शन को। तो देखिए, वर्ड इंसर्ट एनी पोज एस स्टार PTR, तो हेड के जगह PTR आ गया, यानी हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है PTR। हमने एली नाम से एक इंट टाइप का वेरिएबल लिया और न्यू वन नाम से एक नोड ले लिया एस टाइप का, और उसका डायनेमिक मेमोरी लोकेशन कर लिया। हमने यूजर से पूछा कि इंटर द डेटा ऑफ द नोड विच इज़ टू बी इंसर्टेड, जिस नोड को इंसर्ट कराना है उस नोड का डेटा हमें इंटर करने के लिए हमने यूजर से कहा, फिर यूजर ने उसे स्कैन करा लिया, तो हमने न्यू वन के डेटा पार्ट में उसे डाल लिया। उसके बाद फिर हमने कहा कि इंटर द डेटा ऑफ द नोड वेयर
वेयर टू बी इंसर्टेड, मतलब जहाँ हमें इंसर्ट करा, मतलब जिस जगह पे हमें इंसर्ट कराना है, यानी कि जैसे मैंने ऊपर बताया था ना कि टू जहाँ हो वहाँ हमें इंसर्ट कराना है, तो टू डालेगा यहाँ यूजर। इसी तरह कुछ भी, मतलब जो जहाँ पे कराना है वो। उसके बाद क्या किया हमने, हमने वाइल में पॉइंटर इज नॉट इक्वल टू नल लगा दिया। तो वाइल पॉइंटर इज नॉट इक्वल टू नल का मतलब कहाँ, पॉइंटर इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, ये कंडीशन कब फॉल्स हो जाएगी, जब पॉइंटर यहाँ से आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि इस पे तो पॉइंटर में डेटा है, प्रेजेंट है, तो यहाँ तो पॉइंटर नहीं होगा, जब इससे आगे बढ़ जाएगा तब ये वाला फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इफ़ में डाल दिया कि पॉइंटर का डेटा एलिमेंट, मतलब एली जो यूजर ने दिया है, जो यूजर ने नोड का डेटा बोला है, क्या वो है, अगर वो है तो क्या होगा, देखिए न्यू वन के प्रेम में पीटीआर डाला, हमने ऊपर समझा था ना कि पीटीआर यहाँ था हमारा, पीटीआर हमारा जब यहाँ था, क्योंकि मतलब हमने क्या हमें डेटा यहाँ पे मिल गया है, हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ डेटा नहीं मिला है, तो डेटा नहीं मिला तो देखिए सबसे पहले ये इस तरह से हुआ, ठीक है, तो हम देखें कि पॉइंटर में डेटा हमारे एलिमेंट है, सबसे पहले हमें डेटा नहीं मिला था तो ये वाला तो कंडीशन नहीं चलेगा, तो पॉइंटर में पॉइंटर नेक्स्ट आ जाएगा, तो पॉइंटर यहाँ से उठ के हमारा यहाँ चला जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि हाँ इसमें हमें एलिमेंट जो एली जो है वो मिल रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, न्यू वन के प्रेम में पीटीआर डालेंगे, ठीक है, न्यू वन के प्रेम में हमने पीटीआर डाला, फिर हमने क्या किया, न्यू वन के नेक्स्ट में पीटीआर नेक्स्ट डाला, न्यू वन के नेक्स्ट में हमने पीटीआर का नेक्स्ट डाला, यानी कि इस नोड का एड्रेस हमने न्यू वन के नेक्स्ट में डाला, फिर हमने क्या किया, पीटीआर के नेक्स्ट के प्रेम में हमने न्यू वन डाला। देखिए पीटीआर का नेक्स्ट यानी ये नोड और इस नोड के प्रेम में हमें क्या डालना है, न्यू वन डालना है, तो हमने न्यू वन डाल दिया, ठीक है, और फिर हमने पीटीआर एरो नेक्स्ट में न्यू वन डाल दिया, तो PTR Anonex यानी इस पार्ट में हमने इस नोड का एड्रेस डाल दिया, ठीक है। तो ये जो है ना, ये दोनों जो है, ये दोनों इसी सीक्वेंस में लिखा जाना चाहिए, इस दोनों को हम इसी सीक्वेंस में लिखेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि हमारा सबसे पहले पॉइंटर एरो नेक्स्ट एरो प्रेब में न्यू वन रखेंगे, क्योंकि पॉइंटर एरो नेक्स्ट में अगर हम पहले न्यू वन रख देते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, न्यू वन का यहाँ ये न्यू वन हो जाएगा, और न्यू वन का प्रेम में हम न्यू वन रखेंगे, ये तो हमें करना नहीं था, इसीलिए हम हमेशा इसको पहले लिखेंगे, उसके बाद हम इसको लिखेंगे, ठीक है, ये सीक्वेंस में होना चाहिए, ठीक। तो ये हमारी इंसर्ट एंड एनी पोजीशन की कोडिंग है, और ये हमारा पूरा इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, धन्यवाद।